आज की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो कल की क्लास में हमने वीवीए के ऊपर इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा थ्योरिकल पार्ट बताए थे। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर में वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने कल बताया भी था कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए, माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल होनी चाहिए, साथ में फाइल को सेव करना है किसमें, माइक्रो अनेबल वर्कबुक। हाँ, माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। अब माइक्रो राइट करने के क्या करना होगा, तो विजुअल बेसिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मिनट, ये पहले से जो फाइल खुली हुई है वो तो दिख ही रहा है, मैं एक बार फाइल्स बंद कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ हम आते हैं विजुअल बेसिक पे, हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और जितने शीट्स नीचे खुले हैं ना और जितने फाइल, वो सारा फाइल लिस्ट यहाँ आए। बट माइक्रो प्रोग्रामिंग कहाँ करो, क्या मैं सीट वन पे डबल क्लिक करके ये जो कोड विंडो इस पे करो? हाँ, इस पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल बनाया माइक्रो के MM, और हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स दे दिया कि MSG बॉक्स यहाँ दे देते हैं हाय या वेलकम टू IPT, जो लिखना लिख दीजिए। अब जैसे इस माइक्रो को रन करेंगे ये हमारा दिख जाएगा, आ गया, परफेक्ट है। बट जैसे हम सीट वन को करेंगे डिलीट, सीट वन को क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। डिलीट करते ही कोड गया आपका, और सीट्स डिलीट होती रहती है इसलिए हम इसमें कोड नहीं करते हैं। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर हम सीट किसी सीट या वर्कबुक के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ कोड करते हैं तो दूसरे फाइल और दूसरे सीट के साथ ये नेविगेट नहीं कर पाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए तो कोडिंग कहाँ करेंगे, तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे और मॉड्यूल के अंदर सारी कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो विजुअल बेसिक पे ठीक इंसर्ट मॉड्यूल। अब कोड जो भी लिखेंगे या कैसे लिखे, तो जैसे मैंने पहले लिखना है सब, उसके बाद मैक्रो ने, जैसे कि मैंने RR लिख दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर मारते ही आपका एंड सब और सब के बीच में जो है गैप है, इसी में अपनी कोडिंग लिखनी है। क्योंकि जैसे हम माइक्रो पे जाएंगे, ये देखिए RR नाम का माइक्रो यहां दिख गया, ठीक है सर। सर लेकिन माइक्रो नेम डिफाइन करते समय ध्यान रखिएगा, एक कि किसी माइक्रो नेम के अंदर में किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर नहीं होगा। जैसे टेस्ट टुडे, ये माइक्रो नेम गलत है क्योंकि इसके बीच में क्या है, स्पेस है। तो स्पेस आप जो है डॉट डैश मल्टीप्लाई स्लैश प्लस इस तरह की स्पेशल करेक्टर नहीं दे सकते, लेकिन हाँ अंडरस्कोर लगा सकते। क्या लगा सकते हैं, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर इसके अंदर लगा सकते हैं। दूसरा, एक नाम के दो माइक्रो नहीं बनेंगे, एक नाम के क्या नहीं बनेगा, दो दो माइक्रो। माइक्रो नहीं बन, हाँ, जैसे RR हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, दिक्कत है, एक नाम के दो माइक्रो नहीं बनना है। दूसरा कि आप माइक्रो के अंदर में, जैसे मैं लिख दिया देव वन, ये माइक्रो नेम गलत होगा। आप बोलेंगे सर गलत क्यों होगा, देखिए इस माइक्रो को जैसे आप रन करने जाएंगे ना, ये रन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तो देव वन नाम का रेंज है, उस रेंज पे चला जाएगा। ओके। तो तीन डिजिट में तक तीन करेक्टर होगा अल्फा न्यूमेरिक, तीन करेक्टर के अंदर में आपका जो है नहीं होना चाहिए। XFD जो है ना, तीन लेटर हुआ, तीन लेटर और नंबर्स नहीं होना चाहिए। जैसे राज वन, देव वन, रोय वन, 2, 3, 4, 5, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। ये नाम नहीं होना चाहिए, एक नाम के दो माइक्रो नहीं चाहिए, माइक्रो के बीच में किसी तरह के स्पेशल करेक्टर नहीं होनी चाहिए और तीन करेक्टर एंड इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें मान लीजिए कि मैं राजू करता हूं तो राजू ले लेगा, राजू वन में दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चार करेक्टर है और हमारा तीन करेक्टर तक ही होता है। तो नेमिंग मतलब समझ में आ गया, माइक्रो कैसे डिक्लेयर करना है समझ में आ गया। जी अब हम बात करते हैं कि यहाँ जब भी हम माइक्रो लगाते हैं तो माइक्रो लगाते समय हमारे पास क्या रूल होता है, मतलब किससे, किस वर्ड से हम माइक्रो स्टार्ट करें, किस वर्ड से हम अपना माइक्रो
स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसमें चार मेन होते हैं, पहला एप्लीकेशन, दूसरा वर्क बुक्स, तीसरा शीट्स और चौथा रेन। ये मेजरली चार यही होते हैं। ठीक है सर? ओके, तो मेजर जो चार जो है ये आपका यही है, एप्लीकेशन, वर्क शीट और रेंज। ये चार क्या चीज है सर? इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब आप ऑब्जेक्ट। कोई ओके भी लाइन कोड लिखते हैं ना, इन चारों में से मोस्टली इन चारों में से एक होता है। जैसे ओके अंग्रेजी लैंग्वेज में हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, हाँ जी, पार्ट ऑफ स्पीच का काम क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच में, सॉरी काम नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच में हम सबसे पहला वर्ड क्या बोलते हैं, नाउन या प्रोनाउन। जी तो यही सेम थिंग नाउन प्रोनाउन जो हम बोलते हैं ना, वही समझिए कि आपका वीबीए का नाउन प्रोनाउन हो गया। ओके सर, इस पर भी मैं आऊंगा, उससे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग मैक्रो की। ठीक है ना, ये जो रिकॉर्डिंग ठीक है मैक्रो सर। दिख रहा है, तो रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या करता है? जैसे हम मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके ओके किए, अब हम कुछ भी करेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ओम, तो क्या करेगा, G1 पे ओम लिखने का कोडिंग कर देगा। यहां देखिए कोडिंग कर दिया, और हम भी जब कोड करेंगे तो कुछ ही तरह से करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख दिया RR RRR, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेंज A1, हाँ A1 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, A1.A1.value इक्वल टू मान लीजिए रवि। तो सेम काम में भी करता है, हमने कोड कर दिया। तो जैसे मैं माइक्रो में जाएंगे, रन करेंगे RRR को, तो आप देखेंगे यहाँ पे रवि लिख दिया। ठीक है, तो ठीक है, ABVBA प्रोग्रामिंग और ABVBA प्रोग्रामिंग, तो रिकॉर्डिंग मैक्रो भी वीवीए प्रोग्रामिंग के बिहाफ पे का यूज करके कोडिंग करता है, आपके माउस कीबोर्ड एक्शन को कन्वर्ट करता है कोड में। ठीक है, और कोडिंग करते भी कोडिंग हम करते हैं। अब इसमें दो क्वेश्चन आती है, पहला कि हमने जो कोडिंग किया तो हमने सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, बट रिकॉर्डिंग में तीन लाइन एक्स्ट्रा आया, क्यों? इसका आंसर ये है, क्योंकि हम जब यूज करते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, और माइक्रो प्रोग्रामिंग ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करती है। किसी भी भाषा के दो दो चीजें होती है, एक होता है आपका ऑफिशियल, दूसरा होता है आम बोलचाल। कोई भी भाषा ले लीजिए, चाहे हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल, आपको बॉस से छुट्टी लेना है, होली की छुट्टी लेना है, तो आप क्या बोलोगे, बॉस मैं गाँव जा रहा हूँ, होली की छुट्टी चाहिए, जी क्या सिंपल सा? हाँ यही जाके थोड़े बोलेंगे कि सेवा में श्रीमान आपसे सविनय निवेदन है, नहीं सर, बोलेंगे सर? नहीं बोलेंगे। नहीं। लेकिन जब आपके बॉस ने बोला कि ठीक है एप्लीकेशन दे दे, तो एप्लीकेशन में थोड़े बोलोगे कि मैं कल होली की छुट्टी पे जा रहा हूं, क्या नहीं, उसके लिए फिर आपको वो फॉर्मल हो, हिंदी का जो भी है एक परफॉर्म को परफॉर्मर को पूरा करना पड़ेगा ना, सेम थिंग फॉर्मल, जी हाँ फॉर्मेट पूरा करना पड़ेगा। सेम थिंग यहाँ है कि जब रिकॉर्डिंग मैक्रो होती है तो पूरी की पूरी स्टेप्स को ऑफिशियल लैंग्वेज के बिहाफ पे यूज करता है। जैसे यहाँ देखिए, हम रेंज पे क्लिक किए, हम ओम डाले, फिर G2 पे क्लिक किए, सर एक्शन यहाँ पे कॉपी हो रहा है, बट हमें यहाँ पे सिंपली हमने टाइप कर दिया। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग मैक्रो में लंबा कोड, रिकॉर्डिंग मैक्रो आपके माउस एक्शन को रिपीट करता है। रिकॉर्डिंग मैक्रो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब मेरे पास ऑलरेडी खुद ब खुद माइक्रो रिकॉर्ड करने, माइक्रो लिखने वाला टूल्स है, तो फिर हम क्यों क्यों यूज करें वीवी प्रोग्रामिंग, क्यों सीखे, टाइम पैसा एफर्ट क्यों बात करें? आंसर है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से आप बहुत ही कम चीज कर सकते हैं। आप डायनेमिक नहीं कर सकते, आप कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, लूपिंग नहीं कर सकते, कंडीशंस नहीं लगा सकते, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि नहीं कर सकते आप, समझे? जी सर। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे सारी चीजें करेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, तो फिर यूज क्या है रिकॉर्डिंग मैक्रो का,
देखिए रिकॉर्डिंग माय प्रो का दो तरह का यूज, पहला एज ए डिक्शनरी, जैसे कि आप अभी आप लर्निंग पीरियड में सीख रहे हैं, अब मान लीजिए कि आपको कॉपी पेस्ट करने का कोड पता नहीं, या भूल गए हो, या कहीं पे कुछ गलती कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे। अब स्टॉप कीजिए इस मैक्रो को, यहां से भी स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए कि यहाँ पे सिलेक्ट किया सिलेक्शन डॉट कॉपी एक्टिव सी डॉट पेस्ट, ठीक है सर, जी सर, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि भाई सिलेक्शन डॉट कॉपी होता है और पेस्ट करने के लिए एक्टिव सी डॉट पेस्ट होता है। फिर अपना अपना आपकी जो मैक्रो उसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। तो एज ए डिक्शनरी किसका यूज होगा, एज ए डिक्शनरी कि हम उसको अपने डिक्शनरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आइडिया ठीक लग है जाता है मतलब उससे। जी हाँ। अब क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कल के डेट में हम सीख गए, कल के डेट में हम सीख गए, तब तो एक्सेल का इस्तेमाल नहीं होगा, रिकॉर्डिंग मैक्रो को माफ कीजिएगा, रिकॉर्डिंग मैक्रो का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मैं भी रिकॉर्डिंग मैक्रो यूज करता हूँ कोडिंग से बचने के लिए। तो चलिए एक प्रोजेक्ट हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है तो इसके लिए हम डेटा लेते हैं यहां से, ये मेरे पास मान लीजिए मास्टर डेटा है और मुझे एक ऐसा मैक्रो बनाना है जो रन करते हैं मुझसे सिटी पूछे, स्टोर पूछे, मैं स्टोर का जो नाम डालूं सिर्फ उसी स्टोर का डेटा कॉपी करके एक नई सीट पे पेस्ट, एक नई फाइल पे पेस्ट करके उसको एक लोकेशन में सेव कर दे, ठीक है, ठीक या लोकेशन में 2022 के अंदर सेव करवाना चाहता हूं, किसके अंदर, 2022 के अंदर 2022। ये फोल्डर के अंदर। तो चलिए हम इसके लिए रिकॉर्डिंग मैक्रो को इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम मैं डेटा रख देता हूं, डेटा। अब रिकॉर्डिंग मैक्रो करते समय ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा माउ मूविंग, माउस की जो मूविंग होती है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लिकिंग, एक्स्ट्रा स्क्रॉलिंग, किसी अननोन सीट पे जाना इसकी जरूरत नहीं है, उस पे जाना नहीं, सिर्फ आप स्टेप को फॉलो कीजिएगा, ये समझिए कि आपकी जो माउस है ना वो सीसीटीवी कैमरे में आ रही है, इसलिए ऐसी वैसी हरकत नहीं, ओके ओके तो हम जाते हैं डेवलपर में, रिकॉर्डिंग किया, माइक्रो का नेम चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, शॉर्टकट देना चाहते हैं शॉर्टकट दे सकते हैं आप, यहां से मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, ओके कर रहा हूं। अब मैं A1 पे क्लिक किया, फिल्टर लगाया, मुझे स्टोर चाहिए, स्टोर पे गए, स्टोर पे जाने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, फिर वापस A1 पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाइनर, और हाँ कभी भी रिकॉर्डिंग मैक्रो में आप माउस से सिलेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है ना, ओके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, ताकि आपका जो है डायनेमिक सिलेक्शन की कोड हो, माउस से करेंगे तो मैनुअल सिलेक्शन की कोड होगा, तो आगे चल के दिक्कत होगी, कम डेटा डेटा कम और ज्यादा होगा, तो अब मुझे इसको कॉपी करना है, लेकिन डायरेक्ट कॉपी नहीं करूंगा, हो सकता है पीछे का डेटा फिल्टर डेटा कॉपी और इसलिए आ जाए, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, गो टू स्पेशल पे जाएंगे और यहां पे हम करेंगे विजुअल सेल्स ओनली, क्या करेंगे विजुअल सेल्स ओनली, ओनली इसको करेंगे, देन इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अब मेरे पास ऑलरेडी शीट्स हैं, लेकिन नहीं मैं इस पे डेटा पेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर सीट सीट टू पे गया या सीट थ्री पे गया तो सीट थ्री पे जाने का कोड आ जाएगा, तो हमेशा आपको सीट थ्री रिजर्व रखना पड़ेगा, ओके इसलिए मैं यहाँ पे एक नई सीट इंसर्ट किया, उसमें पेस्ट किया, सीट का नाम हम कर देंगे दिल्ली, ठीक है, फिर राइट क्लिक किया मूव, और हम यहाँ पे जाते हैं किसमें, एक नई वर्कबुक, इसको सेव किया और इस फाइल को सेव करते हैं और चले जाते हैं ब्राउज के अंदर डी ड्राइव 2022 और इसके अंदर डेली सेव
और फिर इसको क्लोज करते हैं, वापस एक्सेल पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और फिल्टर हटा देते हैं। और यहां से माइक्रो स्टॉप कर दीजिए, या फिर डेवलपर से भी यहां से भी स्टॉप कर सकते हैं। अब जो ये माइक्रो वन बनाया ना सर, अब ये माइक्रो वन रन करने पे कोड नहीं हो, नहीं रही रन हो, क्योंकि इसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम, तो एडिट करते हैं और चलते हैं इसके कोड पे। और बेटर समझने के लिए मैं इसको डुअल स्क्रीन कर लेता हूँ, विंडो 11 में फीचर होता है। सबसे पहले रेंज वन सिलेक्ट, मतलब कि मैंने स्टार्टिंग भी क्लिक किया और अप्लाई फिल्टर, और जैसे कि देख पा रहे हैं कि एक और फिल्टर यहाँ लगा है। अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा में हम एक फिल्टर से एक बार फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर अप्लाई होता है, फिर दोबारा लगाते डिसअप्लाई, अप्लाई डिसअप्लाई अप्लाई डिसअप्लाई, जी तो हम एक फिल्टर फिल्टर को रिमूव कर देते हैं। दूसरा, जब मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ डेटा आ गया, तो मतलब कि मैं ए वन पे भी फिल्टर लगाऊंगा तो पूरा डेटा वो पिक कर देगा। तो मैं रेंज हटा देता हूँ ताकि डायनेमिक हो जाएगा ना, वरना वो हमेशा एक से 174 तक ही फिल्टर लगाएगा। इसने दिल्ली को फिल्टर लगा दिया, ओके, हमने ए वन को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन से देखो राइट और डाउन गए, यहाँ पे एक्सेल विजुअल सेल्स लिए, दिख रहा है ना टाइप विजुअल स्पेशल सेल्स, हाँ फिर सिलेक्शन को कॉपी किया, सीट ऐड किया और एक्टिव सीट पेस्ट किया, यहाँ तक कोड आपका परफेक्ट है। अब ये देखिए सीट फोर डॉट सिलेक्ट, क्योंकि जैसे सीट ऐड हुआ तो सीट फोर नाम का ऐड हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सीट फाइव होगा, सीट सेवन होगा, क्या तो यहीं हाँ पे सर आपका एरर आ जाएगा। जब माइक्रो रन करेंगे ना आप, तो यहीं पे आपको एरर आ जाएगा, इसलिए इसको डिलीट कर दीजिए। बट मुझे सीट नेम तो चेंज करने, बस सीट फोर डॉट नेम चेंज बता रहा है। तो यहाँ देखिए सीट ऐड, जो सीट ऐड होती है वो एक्टिव होती है, और यहाँ पे एक्टिव सीट डॉट पेस्ट है, तो हाँ हम सर जी इसी कोड को एक्टिव सीट डॉट नेम पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दिल्ली सिलेक्ट करना है, इसको हटा देते हैं, ये आपका एस्केप मारा है, रहने दीजिए, और दिल्ली डॉट मूव की जगह पे एक्टिव सीट डॉट मूव, और यहां से देखिए इसको भी रिमूव कर देते हैं, और हाँ अब परफेक्टली कर रहा, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये आया कि हमेशा दिल्ली का ही डेटा देगा, क्या देगा, दिल्ली का ही, दिल्ली का जी हाँ। पर क्वेश्चन ये है कि हम चाहते हैं कि मुझसे पूछे तो मुझे एक लाइन जोड़ना हो, तो हम यहाँ पे लिखा सी टी इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इसके अंदर डाल दिया एंटर स्टोर नेम। ये कोड क्या करेगा, जैसे ही रन होगा एक पॉपअप देगा, उसके अंदर जो भी नाम टाइप करेंगे वो नाम सिटी के ऊपर स्टोर हो जाएगा। सिटी क्या है, टेम्पररी सेविंग लोकेशन, मतलब एक टेम्पररी स्टोर करने का एड्रेस है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना ओके एक्स वाई जेड ए बी सी डी, सेम उसी तरह से। जी अब मुझे जहां जहां स्टोर नेम चाहिए वहां वहां सिटी को हमने लिख दिया, ठीक है। बट ठीक यहां पे दिक्कत है, क्योंकि यहां अगर मैं सिटी लिखूंगा तो सिटी नाम का फाइल बना देगा, क्यों, क्योंकि इन्वर्टर कॉमा के अंदर है, दिख रहे हैं ना सर, हाँ सर तो मुझे इसको तोड़ना होगा और एन परसेंट लगाना होगा कॉन्केट करने के लिए। दिनेश जी समझ में आ रहा है आपको ना सर, बिल्कुल सिटी एन परसेंट। अब आपका परफेक्टली डायनेमिक हो गया, और चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो रन यहाँ माइक्रो पे गए और यहाँ पे रन किए, रन रन करने के बाद पूछे मुझसे स्टोर नेम पूछा, तो मैं इस पे ला देता हूँ एम यू जेड एन, ओके। अब देखेंगे, अब हम लोकेशन में एम यू जेड नाम का फाइल बना दिया और इसके अंदर एम यू जेड का ही डेटा है, दिख रहा है सर। हाँ सर तो हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल करके क्या किया, हमने रिकॉर्डिंग माइक्रो से रिकॉर्ड किया, इतने लाइन कोड करने से तो बच गए ना सर, छोटा प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रोजेक्ट तो बड़ा लाइन होता। कुछ कोड को हमने चेंज किया, कुछ कोड को डिलीट किया और कुछ कोड इंसर्ट किए, और हमने एक प्रोजेक्ट आपके सामने कर लिया, समझ गए। सर अब बात करते हैं कि माइक्रो रन करने कैसे रन करेंगे, तो एक तो यहां से आप रन कर सकते हैं,
या ऑप्शन पे जाके अब इसका शॉर्टकट डिफाइन कर दीजिए, मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दिया तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू से मेरा माइक्रो वन रन हो जाएगा। बटन है तो इंसर्ट के अंदर, डेवलपर में इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर आपको दिखेगा ये एक्टिव फॉर्म कंट्रोल, एक्टिव इसको कोडिंग करना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल के लीजिए और यहाँ पे डिजाइन कर दीजिए, डिजाइन कीजिए, इसमें इस माइक्रो को सिलेक्ट कर लीजिए जिस माइक्रो को रन करना चाहते हैं, उसके बाद इस पे क्लिक करके नाम चेंज कर दीजिए, गेट डेटा। लेकिन मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए, तो इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन या पिक्चर्स या कॉपी पेज चार से ले आइए, मैं सैप्स यूज कर रहा हूँ, सैप्स लिया और यहाँ पे इसकी भी अच्छी सी एक फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ, मान लीजिए ए वाली फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ और इस पे लिख देता हूँ गेट डेटा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस पे मेरा माइक्रो रन, तो क्या करें, राइट क्लिक और यहां पे जाएंगे तो दिखेगा हाँ असाइन माइक्रो, दिख रहा है असाइन माइक्रो, क्लिक सर, कीजिए देख रहे रन। हैं। अब इस पे रन करने माइक्रो रन हो जाएगा। अब जो है इंपॉर्टेंट बात आती है टाइप ऑफ माइक्रो के बारे में, टाइप ऑफ माइक्रो इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इससे हम डिसीजन ले पाएंगे कि हम क्या बनाएं, मतलब कौन सा कोडिंग, कौन सा माइक्रो बनाए किस प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा माइक्रो जो होता है तीन तरह का होता है, पहला है आपका पब्लिक माइक्रो, क्या है पब्लिक, यानी कि मैक्रो जो आपने जो माइक्रो वन बनाया ना ये पब्लिक माइक्रो, मतलब कि अगर मैं बुक वन आपको भेजूं तो ये माइक्रो आप भी यूज कर पाएंगे, ठीक है, ओके माइक्रो आप भी यूज कर पाएंगे, समझे, जी सर। मतलब कि ए फाइल के बैकग्राउंड में जहां जहां फाइल ट्रेवल करता है वहां वहां ट्रेवल करता है हमारा पब्लिक माइक्रो, क्लियर है। साथ में दूसरे फाइल पे, जैसे मैंने बुक टू पे मुझे रन करना हो यहाँ पे, बुक बुक फोर है ना, तो मैं इस माइक्रो को यहां भी रन कर सकता हूं, ठीक है। तो पब्लिक माइक्रो, दूसरा आता है पर्सनल माइक्रो, ठीक है, पर्सनल माइक्रो को हम क्रिएट नहीं करते, वो रिकॉर्ड होता है, जब रिकॉर्डिंग में जाते हैं ना तो रिकॉर्ड करते समय ये पूछता है पर्सनल माइक्रो, तो पर्सनल माइक्रो जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए पब्लिक माइक्रो की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि दूसरे फाइल पे मैं तभी रन कर पाऊंगा जब मेरा फाइल ओपन हो, जैसे बुक वन ओपन है ना, अगर बुक वन को क्लोज कर दूं तो इस लिस्ट में आपको माइक्रो ही नहीं दिखेगा, तो बुक वन में माइक्रो ही नहीं दिखेगा, मतलब कि आप अगर चाहते हैं कि एक फीचर बना दे एक्सेल का, जैसे पिवट है, फिल्टर है, ऐसे एक फीचर बनाना चाहते हैं, एक एक्सेल का ऑप्शन बनाना चाहते हैं, तो आपने अगर पब्लिक माइक्रो क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, अब पब्लिक माइक्रो, उस माइक्रो ओपन करने के लिए पहले मुझे वो फाइल ओपन करनी होगी जिसमें मैंने माइक्रो टाइप किया था, तो मैं चाहता हूँ एक्सेल का पार्ट बन जाए, तो पब्लिक माइक्रो नहीं पर्सनल माइक्रो में होगा, पर्सनल माइक्रो में आप पब्लिक उसका पार्ट बना सकते हो, क्योंकि ये पर्सनल माइक्रो किसी पर्टिकुलर फाइल के बैकग्राउंड में नहीं, वो आपके एक्सेल के ऑफिस लाइब्रेरी में फोल्ड को सेव करते हैं, वो सारी कोडिंग आपके सिस्टम में सेव होता है ना कि किसी फाइल में, तो आप किसी भी फाइल में उसको रन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आप अपने पास में, अब मान लीजिए कि आपने पर्सनल माइक्रो के माइक्रो बना के किसी को भेजा तो उसके साथ वो माइक्रो नहीं जाएगा, क्योंकि माइक्रो आपके सिस्टम में फाइल के अंदर नहीं है, लेकिन मैं पर्सनल माइक्रो रिकमेंड किसी को नहीं करता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं एडिंग्स, ठीक है ना, जो कि पर्सनल माइक्रो के जैसा ही होता है, लेकिन इसको इजीली डिलीट डिलीट किया जा सकता है, इजीली डिसेबल अनेबल किया जा सकता है, इजीली कोडिंग को मॉडिफाई किया जा सकता है, और कोडिंग किसी को भेजना है तो इजीली आप उसकी कोडिंग भी भेज सकते हैं। तीसरा आता है प्राइवेट माइक्रो, जिसको हम लोग इवेंट माइक्रो भी कहते हैं, प्राइवेट माइक्रो कहिए या इवेंट माइक्रो कहिए, देखिए क्या है कि ये दोनों माइक्रो को जब यूज करते हैं तो आपको रन करना होता है, जैसे मैं माइक्रो बनाया तो ये माइक्रो ऑटोमेटिक रन नहीं होगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा
तभी रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। समझ गए? कब रन होगा? जब ओके मैं सर, बटन पे क्लिक करूंगा तभी रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। बट मैं चाहता हूं कि मैं कहीं भी क्लिक करूं तो मेरा मैक्रो रन हो जाए। तो उस केस में राइट क्लिक करके हम जाएंगे व्यू कोड पे और इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग। मैं यहां पे आऊंगा, यहां पे वर्कशीट, और यहां पे सिलेक्शन चेंज की जगह सिलेक्शन चेंज ले लिया और यहां पे लिखा टारगेट डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजेंटा। अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा, देखिए कलर हो रहा समझे? जी तो हमारा इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग। तो मैक्रो तीन तरह के। अब बात करते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है आपको। देखिए प्रोग्रामिंग के कई स्टेप होते हैं। पहला होता है एनालिसिस, कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और निकालेंगे कि ये बनेगा कैसे। देन आएगा उसकी एल्गोरिदम। क्या आएगा? एल्गोरिदम। अलगोरिथम जी हाँ, मतलब उसके स्टेप लिखेंगे। एल्गोरिदम कैसे होता है? मान लीजिए कि मुझे A1 B1 C1 पे नाम लिखना है, तो इसका एल्गोरिदम लिखेंगे हम पहले स्टार्ट स्टार्ट सेलेक्ट A1, एंटर नेम, सेलेक्ट B1, एंटर रोल, सेलेक्ट C1, एंटर मार्क्स। अब बोलेंगे सर ये तो पता है मुझे, इसको अलग लिखने की क्या जरूरत है? जी हाँ बिल्कुल पता है। आप क्या होता है कि कई बार आप अपना फाइल अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पूरे प्रॉब्लम का स्टेप जो है आपके दिमाग में होता है, क्योंकि आप कई बार यूज करते हैं तो उसकी कोडिंग धड़ाधड़ कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है किसी और की प्रोजेक्ट को करने की, तो किसी और की प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम होती है कि क्या क्या स्टेप फॉलो करना है उसको पता है, आपको तो पता नहीं है। मान लीजिए उसने बताया भी आपको, तो फिर उसको कैसे नोट करेंगे? दिमाग याद तो रहेगा नहीं, तो उसको इस तरह से स्टेप में नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है कि मान लीजिए मुझे एक पिवट अप्लाई करना है, एक सिलेक्टेड डेटा, एक डेटा को कॉपी पेस्ट कॉपी करने के बाद उस पर पिवट अप्लाई कर, पता चला कि पिवट पहले अप्लाई कर दिया, डेटा कॉपी बाद में किया, दिक्कत हो जाएगी सर। जी तो इसीलिए आपको स्टेप पता होना चाहिए कि आपके स्टेप अगर मुझे डेटा कॉपी करना है, पेस्ट करना है, पिवट सिलेक्ट करना है, पिवट अप्लाई करनी है, तो इस स्टेप से आएगा, उसी स्टेप से आप कोड को लिखोगे। दैट कॉल एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। ठीक है? ठीक है, एल्गोरिदम के बाद होता है कोडिंग। क्या होता है? कोडिंग। कोडिंग फिर आता है यहां पे आपके पास टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद होता है रीकोडिंग, अगर एरर हुआ तो। कब तक? जब तक कि नो एरर हो, उसके बाद आता है अपलोडिंग। और बोले सर टेस्टिंग वेस्टिंग क्यों करेंगे? तो ये क्या होता है कि आपने एक प्रॉब्लम बनाया, राइट, आपने सोल्यूशन बनाया, तो प्रॉब्लम ये है कि आपने एक आपको उसको टेस्ट करना होगा ना, क्योंकि आप एक ऑटोमेशन, मान लीजिए कि आपने बोला कि 5,000 लोगों को हम PDF फाइल मेल करेंगे, उसका आपने बना दिया। अब आप उसको टेस्ट ना करेंगे तो पता चलेगा कि 5,000 को एक ही PDF भेज रहा है या किसी और का PDF किसी और को भेज रहा है। तो पहले 20-25 ईमेल आईडी, फेक ईमेल आईडी पे या फिर ऐसे सैंपल ईमेल आईडी पे आप चेक करेंगे ना कि हाँ सही भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। सर क्योंकि तो दवाई भी जब बनती है तो पहले उसकी टेस्टिंग होती है। बिल्कुल देन उसके बाद आता है हमारा अप्लाई। क्लियर है? क्लियर अब यहां पे हमारा ओके को थ्योरिकल पार्ट खत्म होता है। ठीक है? इसके ठीक बाद जो भी है क्लासेस होगी प्रैक्टिकल, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन जरूरी है, क्योंकि आपने कल वाली क्लास की वीडियो भी कंप्लीट नहीं की है, आर्टिकल भी नहीं पढ़ा है, और साथ में आज की भी कुछ चीजें हैं। ठीक है? ठीक आज क्या करना है आपको? आपको आज करना है रिकॉर्डिंग मैक्रो। ठीक है ना? तो रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या करेगा? आपको अवेयरनेस देगा, समझ रहे ना सर?
तो आपको क्या करना है कि एक्सेल के जो फीचर्स हैं, जैसे कॉपी करना, पेस्ट करना, बोल्ड करना, मर्ज करना, पिवट अप्लाई करना, फिल्टर अप्लाई करना, ऐसे जो है ऐसे चीज को एक एक करके अप्लाई करके उसके कोड को देखिए, उसकी कोड को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे वो स्टेप को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मैं ये ठीक सारे है कोड में सर। समझाऊंगा, लेकिन पहले से अवेयरनेस रहेगी तो सही रहेगी।